आप देख रहे हैं जनवा टाइम सच के साथ एक कदम। जनपद प्रतापगढ़ के लाल शहीद सब इंस्पेक्टर अनुप कुमार सिंह का गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। शहीद अनुप सिंह के अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग उनके पैतृक आवास पर पहुंचे। कानपुर मुठभेड़ में बदमाशों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे सब इंस्पेक्टर अनुप सिंह। मानदाता के बेलखरी गांव के रहने वाले थे शहीद अनुप सिंह। कानपुर में शहीद अनुप सिंह का राजकीय सम्मान के साथ हुई अंत्येष्टि। पार्थिव शरीर को विधानसभा विश्वनाथगंज विधायक डॉक्टर आर के वर्मा, एसपी श्री अभिषेक सिंह व पूरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन उपस्थित रहा। शहीद अनुप सिंह को बुजुर्ग पिता ने दी शहीद बेटे को मुखाग्नि। देखते हैं संवाददाता गुलाबचंद गौतम की रिपोर्ट। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। कानपुर की एक दुखद घटना थी, मुठभेड़ हुई थी जिसमें अपने प्रतापगढ़ के अनुप शहीद हो गए। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। किस तरीके से घटना को जो आप देखते हैं और क्या कार्रवाई की मांग आप जो है करना चाहते हैं और क्या सरकार से? देखिए, मैं तो आपको बता दूं कि वह घटना बहुत ही दुखद रही है और पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह अपूर्तनीय क्षति हुई है। जहाँ पर अभी तक की जानकारी के अनुसार सीओ से लेकर के सिपाही तक 10 की संख्या में मौतें हुई हैं। मैं अवसर पर सभी पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और ऐसे दुर्दांत अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देने का कार्य किया है, सरकार को चुनौती देने का कार्य किया है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों का केवल और केवल इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर पहले हो जाना चाहिए ऐसे लोगों का। निश्चित रूप से हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसे अपराधी जो बीच में बचे हुए हैं जिनके द्वारा यह घृणित कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस जनता से लेकर के हर किसी के लिए वो खतरा बन चुके हैं, ऐसे में मैं अपनी सरकार से एक ही अपील करना चाहूंगा कि इस तरीके के जितने भी अपराधी, खासतौर से अगर उनको कोर्ट ने सजा दे दी है और वो बेल पर बाहर हैं, तो निश्चित रूप से उनको या तो फिर से भेजने की व्यवस्था, नहीं तो उनका इनकाउंटर करके समाज से समूल नाश करने की आज आवश्यकता है। और मैं इस शोक संतप्त परिवार के लिए, मैं इस क्षेत्र का एक MLA होने के नाते, यहाँ से आप जो चौड़ी सड़क देख रहे हैं बन रही है, अभी हमारी सरकार ने मोहनगंज बेलखरी होकर के सराय नारायण तक की इस सड़क का नामकरण मैं शहीद अनुप कुमार सिंह के नाम पर इसका नामकरण रखवाऊंगा और उनकी यादगार में उसी सड़क से उनके घर तक जोड़ने के लिए एक पक्का मार्ग मैं यहाँ पर बनाने का कार्य करूँगा और अपने क्षेत्र विकास निधि से उनके नाम पर उनकी स्मृति में एक गेट काफी निर्माण में कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि स्वर्गीय शहीद की पत्नी जी को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अच्छी से अच्छी जॉब दे करके परिवार के बाकी सदस्यों के भरण पोषण की भी व्यवस्था करने का
काम किया जा सके, ऐसे उस इतना ही कहना चाहूँगा। विधायक जी, कल से आप जो है इस गांव में मौजूद हैं और लगातार परिजनों के आप साथ में रहे, तो क्या कोई ऐसी मांग परिजनों ने आपके सामने रखी है? देखिए, मैं शहीद के पूरे परिवार को भी मैं नमन करता हूँ उनके इस जज्बे का कि उन्होंने अभी तक ये जो बातें मैंने रखी है अपनी स्वेच्छा से मैंने रखी है, और उनके परिवार ही नहीं इस गांव का एक भी शख्स ने ऐसे अवसर पर कोई मांग नहीं करी है। लेकिन यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे बीच का ऐसा लाल जो इतना बड़ा कार्य करते हुए बहादुरी के साथ शहीद हुआ है, तो आने वाले समय में स्मृति के लिए उनकी यादगार में ये सब घोषणाएं मैंने स्वतः करने का कार्य किया है। मेरे से उनके परिवारजनों ने किसी के लिए कोई भी मांग नहीं की है। इस को लेकर के मैं पूरे परिवार को भी मैं नमन करता हूं कि उन्होंने इतनी दरियादिली दिखाई। वाकई शहीद के का जो जन्म उनके परिवार में हुआ है, निश्चित रूप से वह काबिलियत उस परिवार में है शहीदों को पैदा करने की। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।